अक्टूबर 7 की सुबह हमास ने इसराइल के ऊपर 3000 से 5000 रॉकेट डाल दिए। अभी इसराइल कुछ समझ ही पाता कि क्या चल रहा है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के हमास फाइटर्स ने इसराइल के साउथर्न रीजन में घुस जाते हैं और वहां के शेल्टर्स और सिविलियंस को उठा ले जाते हैं। ये हमला 1973 के बाद अब तक का इसराइल के ऊपर सबसे बड़ा अटैक था। शाम होते होते इसराइल के पीएम का बयान आता है कि वी आर एट द वॉर। पूरी दुनिया फिर से दो पार्ट में बढ़ जाती है। दुनिया के सो कॉल्ड बेस्ट जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट इसको इसराइल के ऊपर टेरर अटैक मानते हैं। फलस्तीनियन और हमास कौन है? क्या वो टेररिस्ट हैं? वेस्ट और यूरोप के ड्यूअल स्टैंडर्ड को पहले समझते हैं। जिस तरह से यूक्रेन को यूनाइटेड नेशन डिफेंस करने का राइट देता है, उसी तरह फलस्तीनियों को भी वही रेजुलेशन 1942 अलाउ करता है कि वो भी अपने मुल्क की हिफाजत करें। 1973 से इसराइल फलस्तीनियों के ऊपर अब तक जुल्म और ज्यादती हर रोज करता है। तब से इसराइल पूरे फलस्तीन टेरिटरी में इलीगल शेल्टर बसा रहा है, जिनकी तादाद अब तक 7 लाख से भी ज्यादा है। ये शेल्टर्स इंडिविजुअली जाकर के रैंडम फलस्तीनियों के घर और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं और इनको इजरायली गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। बेसहारा फलस्तीनियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता अपने घर बचाने का। लास्ट मंथ के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक महीने में शेल्टर्स ने फलस्तीनियों के ऊपर 100 से ज़्यादा अटैक किए हैं, मतलब हर दिन 3 से ज़्यादा अटैक। असल में आपको यहाँ ये समझना होगा कि इसराइल का इंटेंशन क्या है। एक इंटरव्यू में इसराइली सोल्जर ये बयान देते हैं, फलस्तीनियों को परेशान करके मार करके उन्हें यहाँ से पूरी तरह साफ करना चाहते हैं, यानी इथनिक क्लींजिंग करना चाहते हैं। 2.5 million Palestinians in the West Bank to feel that they cannot lift their head up. We will make them understand that we control their lives. The segregated roads and the settlements and so forth. They exist all around the occupied territories. Military activity, home invasions, patrols, digital surveillance, they exist here and they exist all. इसीलिए लास्ट मंथ जब इजराइल सऊदी रिलेशन बहाल के करीब था तो इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यूएन में जो मैप दिखाया था उसमें फलस्तीन और गाजा सब नक्शे से गायब था। मतलब इजराइल अब पूरी तरह पूरे फलस्तीन को अपना एरिया बता रहा है, लेकिन ये अरब रूरल को अंदाजा नहीं है कि जब ये कोई भी रैली करते हैं तो उसमें ओपनली डेथ टू अरब का नारा लगाते हैं। आपको एक बात और क्लियर करना होगा कि ये लड़ाई फलस्तीन को आजाद करने की नहीं है, ये लड़ाई है इक्वलिटी फॉर बोथ कम्युनिटी, यानी कि जो राइट इजरायलियों को हो वही राइट फलस्तीनियों की भी हो। गाजा के लगभग 22 लाख लोगों की हर राइट पर ये इजरायलियों का कब्जा है। साल 2006 में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास पॉलिटिकली इलेक्शन जीत करके गाजा में सरकार बनाती है, जिसके बाद से इसराइल गाजा की बैरिकेटिंग और ब्लॉकिंग बनाता है और तब से गाजा 21st century में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन बन जाता है, जहां लगभग 22 लाख फलस्तीनी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हैं। और ये ओपन एयर प्रिजन के बारे में यूके के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन कह रहे थे, गाजा के बॉर्डर्स, कोस्टल लाइन, एयर स्पेस सब इसराइल कंट्रोल करता है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा एक्सट्रीम ड्रिंकिंग शॉर्टेज, पावर क्राइसिस, पैरालाइज्ड हेल्थ केयर, 65% जॉब ऑफिलेशन, शॉर्ट ऑफ बेसिक आइटम्स लाइफ टू लिव फूड, इन्हीं सब ब्लॉकेज के वजह से यूएन की टीम ने गाजा को अनलिवेबल प्लेस बताया था। यहाँ पे आप गौर करिएगा, इसराइल के पास दुनिया का मोस्ट पावरफुल आर्मी है तो फलस्तीन के पास एक फाइटर जेट भी नहीं है।